स्पेशली यंगस्टर्स में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है, वो ये है कि मैं अपनी बाइसेप और ट्राइसेप्स या आर्म्स का साइज कैसे बढ़ाऊं। अब ये वीडियो में मैं आपको कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा, कोई ऐसा हिडन सीक्रेट नहीं बताऊंगा, कोई सप्लीमेंट के बारे में नहीं बताऊंगा कि जिससे आपकी आर्म का साइज बढ़ जाएगा। और जैसे ये स्टूपिड यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं कि 2 इंच अपने आर्म में इंक्रीज करिए और ये खाइए तो इससे आपका आर्म बढ़ जाएगा, ये स्पेशल एक्सरसाइज आर्म्स की पीक को बढ़ा देंगे, ये सारे के सारे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि उसका एक प्रॉब्लम ये है कि जो बेसिक रीजन है जो लोग नहीं समझते बॉडी पार्ट्स को लेकर, आज हम वो डिस्कस करेंगे। जब तक आप वो नहीं समझेंगे, जितनी भी चीजें आप अपने बॉडी पार्ट्स को इंक्रीज करने के लिए सोच रहे हैं या सुन रहे हैं वो सारी गलत है। आप अगर यूट्यूब खोलें या आप कोई नेट पे जाएं, वहां पे देखें कोई वेबसाइट्स के ऊपर, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी वीडियोस होती हैं जो बोलती हैं हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को करने से हमारा आर्म का साइज बढ़ गया है, आप इस प्रोग्राम करिए आपका साइज 1 या 2 इंच बढ़ जाएगा, और बहुत सारी कॉमन जो एडवाइसेस भी होती हैं जो बिल्कुल काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, आप स्लो एसेंट्रिक मूवमेंट करिए, मोमेंटम मत करिए, वेट हैवी लिफ्ट करिए, टेम्पो स्लो रखिए और प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, रिकवरी होगी। ये सारी एडवाइस अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये आता है कि ये सारी जनरल एडवाइसेस, क्योंकि इन सारी की सारी एडवाइसेस से पहले एक कॉमन एडवाइस आती है जो कोई भी स्टूपिड कोच या यूट्यूबर आपको नहीं देता, वो ये है कि आप अपने किसी भी पार्ट को इंक्लूडिंग आर्म्स को किसी भी अदर पार्ट से आउटग्रो नहीं कर सकते। अब इसका क्या मतलब? इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपकी पूरी बॉडी चार्ली चैपलिन की तरह है तो आप अपनी बाइसेप्स को आर्नोल्ड की तरह नहीं बना सकते, आपकी बॉडी इतना अमाउंट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनैलिटी हैंडल नहीं कर सकती। अगर आपको अपनी आर्म्स में साइज बढ़ाना है तो आपकी ओवरऑल बॉडी का साइज बढ़ना जरूरी है, तभी आर्म ग्रो होंगे। आपने कभी किसी को देखा है कि जिसकी बॉडी तो बहुत ही पतली और आर्म बहुत बड़े? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बॉडी ऐसा अलाउ ही नहीं करती। अब दो काफी सारे वर्ल्ड के टॉप कोचेस कुछ फिगर्स रिकमेंड करते हैं, ये कुछ रिसर्च फिगर्स नहीं है, बट जैसे कि कोच पॉल एक्विन हुआ या और भी कोचेस, उन्होंने ये बोला था कि अगर आप अपनी मसल्स में, अपनी आर्म्स में 1 इंच बढ़ाना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 15-20 pounds का ओवरऑल मसल मास आपको बॉडी में गेन करना पड़ेगा। अब कुछ लोग इसको 10 pounds कहते हैं हर इंच के लिए, कुछ 15, कुछ 20, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट प्लीज अंडरस्टैंड, इसका मतलब सिंपल है कि अगर आपको 1 भी इंच अपनी आर्म में ग्रो करना है तो ओवरऑल साइज आपकी जो पूरी बॉडी है उन सारी की सारी बॉडी के सारे मसल का साइज ग्रो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो मसल्स हैं वो स्टैग्नेट हो जाएगी, वो एक लेवल तक ही ग्रो कर पाए। काफी लोग मेरे पास आते हैं जिनकी बिल्कुल चिकन लेग्स होती है, वो कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में, अपनी लोअर बॉडी को वो बिल्कुल भूल जाते हैं, ट्रेन नहीं करते, आर्म्स को ग्रो करते हैं तो जेनेटिकली एक लेवल तक तो उनकी आर्म बढ़ जाती है, उसके बाद वो ग्रो नहीं करते। और मेरे से क्वेश्चन करते हैं, सर ये ग्रो नहीं हो रही है, अटक गई है। वो अटक नहीं गई, वो इसलिए हो गई है क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनैलिटी हो चुकी है। आपने अपनी 60% बॉडी तो बिल्कुल निग्लेक्ट करी हुई, उसको आप फोकस नहीं कर रहे। अगर आप वो ग्रो नहीं करेंगे तो आर्म्स, चेस्ट, शोल्डर, बैक कुछ भी ग्रो नहीं होगा, वो उस लेवल पे आकर रुक जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में अब बहुत ज्यादा अनइवननेस हो चुकी है, एक पार्ट आउटग्रो कर रहा है, दूसरा ग्रो नहीं कर रहा है, और बॉडी उस आउटग्रो वाले पार्ट में लिमिट तक ही ग्रो करेगी, उसके बाद उसे रोक दे। जो बिगिनर्स होते हैं उनका केस अलग होता है, उनको कोई भी बेसिक वर्कआउट जो थोड़ा बहुत वॉल्यूम में है और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अच्छी है उनको इफेक्ट देगा, क्योंकि उनके केस में वो थोड़ा सा स्टिमुलस भी जो उनकी मसल को कभी नहीं मिला वो लोकलाइज हाइपरट्रॉफी करेगा, उनकी मसल का साइज ग्रो करेगा, बट उनके केस में भी एक टाइम पे आके स्टैग्नेशन आ जाएगी अगर वो इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते कि उनको पूरी की पूरी बॉडी प्रोपोर्शनेटली ग्रो करती। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में ग्रो नहीं करती, एज अ होल ग्रो करती है। अगर आपकी बॉडी का एक पर्टिकुलर पार्ट ग्रो नहीं हो रहा है तो 2 reasons है। नंबर 1, जेनेटिकली वो पार्ट थोड़ा वीक है, इस पे फोकस ज्यादा चाहिए, और सेकंड, आप ओवरऑल बॉडी को देखिए, क्या आपकी ओवरऑल बॉडी ग्रो कर रही है जिसकी वजह से वो पार्ट जो स्टैग्नेंट है वो ग्रो करेगा। अगर ओवरऑल बॉडी आपकी ग्रो नहीं कर रही, कोई पर्टिकुलर पार्ट निग्लेक्ट हो रहा है, तो ओवरऑल बॉडी को ग्रो करिए तो वो पार्ट भी ग्रो होगा। ये सीक्रेट आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे पहले कि आप ये जानेंगे कौन सा स्पेशल एक्सरसाइज या कौन सी डाइट या सप्लीमेंट काम करे। सो प्लीज फोकस ऑन द ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट, ह्यूमन बॉडी डजंट वर्क इन पार्ट्स। और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वीएस स्टोरी।